नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। आजकल लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आए दिन चर्चाओं में दिख रहे हैं। कहीं बुआ और बबुआ की तीखी बयानबाजी सुनने को मिल रही है, तो कहीं मायावती अकेले ही विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आती हैं। वहीं अपने विवादित बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाली समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ में आजम खान के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस बार उन पर आरोप लगाया है कि शिया धर्म के गुरु मौलाना कल्वे जावेद के खिलाफ असामाजिक बयान देने और उनकी छवि को ठेस पहुंचाने के साथ RSS को बदनाम करने का आरोप है। आपको बता दें कि जमीर नकवी ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इससे पहले भी आजम खान की पत्नी और बेटे पर धोखाधड़ी का केस चल चुका है। बता दें कि नए साल के शुरुआत में ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में आजम खान की पत्नी राज्यसभा सांसद तजीन खान पर मामला दर्ज किया था। दरअसल पूरा माजरा ये है कि बीते विधानसभा चुनाव में उम्र छिपाने के लिए दो पैन कार्ड बनवाने और चुनाव आयोग के साथ साथ आयकर विभाग से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था, और इस मामले को BJP के नेता आकाश सक्सेना के कहने पर दर्ज किया गया था। जानना ये भी जरूरी है कि इससे पहले जयप्रदा ने आजम खान को लेकर कहा था कि मैं जब भी पद्मावत देखती हूँ तो खिलजी के किरदार में मुझे आजम खान की याद आ जाती है। मैं सोच रही थी कि जब मैं रामपुर से चुनाव लड़ रही थी तो उस शख्स ने मुझे किस तरह से परेशान किया था। आपको बता दें, अमर सिंह जब मुलायम सिंह के करीबी थे तब जयप्रदा ने आजम खान के गढ़ रामपुर से दो बार सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीता भी था। लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी का मुखिया बनने के बाद अमर सिंह और जयप्रदा को पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद जयप्रदा ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि आजम खान ने उनके ऊपर तेजाब से हमला करने की कोशिश भी की थी। वहीं आजम खान ने BJP की राजनीति के तरीके को आइटम गर्ल तक बता डाला था। हाल ही में अखिल भारतीय महासभा के सचिव पूजा शकून मिश्रा ने शहीद दिवस पर महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाकर नकली पेट्रोल का खून भी बहाया था, लेकिन पुलिस ने पूजा शकून सहित तकरीबन एक दर्जन लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। इस मामले पर आजम खान ने कहा था कि ये पहला मौका नहीं है जब गांधी जी के साथ किसी ने ऐसा गलत काम किया हो, लेकिन उन मूर्ख लोगों को कौन बताए कि गांधी कोई शरीर नहीं बल्कि एक विचारधारा है। गांधी सब लोगों के अंदर है। समाजवादी पार्टी के बागी नेता आजम खान ने राम मंदिर मसले पर बयानबाजी करके भी काफी आलोचनाओं में घिरे दिखे थे। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को जेल जाने तक की बात कह डाली थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सिर्फ बयानों से खबरों में रहने वाले आजम खान 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने भाषण के दम पर जीत दिला पाएंगे या नहीं। दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।